सब्सक्राइब कीजिए स्टडी दंगल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी दंगल। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम को जाना था और अब आज हम इस वीडियो में एचसीएफ को जानेंगे। एचसीएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, और एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में इसका वेटेज बहुत है और इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से फ्रेम करती है एसएससी। तो आज हम स्टडी शुरू करते हैं किसकी, एचसीएफ की। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ और फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड जो होता है उसे बोलते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ को एक हम एग्जांपल से जानेंगे कि क्या होता है, कैसे इसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल 18 और 24, 18 और 24 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? जैसे प्राइम फैक्टर से हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से। कैसे? 18 के प्राइम फैक्टर मेथड 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 18। फिर उसके बाद 24 के 2 × 4 × 8 = 24। ठीक है, ये 18 के प्राइम फैक्टर हैं और ये 24 के प्राइम फैक्टर हैं, 2, 2, 2 और 3। ठीक है, और प्राइम फैक्टर में अब हमें लिखा हुआ है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जो भी कॉमन है दोनों में, पहले उनको, यहाँ पे क्या कॉमन है? 3। तो 2 और 3 कॉमन आया है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 × 3 = 6। तो ये हमारा एचसीएफ फाइंड आउट हो गया है, आंसर हमें क्या मिल गया? 6। प्राइम फैक्टर करने के बाद कॉमन कॉमन उठाना है। एलसीएम में हमने क्या किया था? पहले कॉमन भी लिए थे, जो बचे हुए थे वो भी लिए थे, लेकिन यहाँ कॉमन कॉमन उठाना है। कॉमन क्या है? 2 है, और कॉमन क्या है? दूसरा 3 है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 6। हमें हमारा एचसीएफ मिल गया। इस प्रकार हम प्राइम फैक्टर से हम जान सकते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और एक दूसरा मेथड होता है, उस मेथड को भी जान लेते हैं, जिसे बोलते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्या कहता है? फैक्टर मेथड फैक्टर कैसे? जैसे 18 को कौन कौन से फैक्टर डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2, 3, 6 और 9 और 18। ठीक है, 18 को कौन कौन से फैक्टर डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 24 को 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हैं, 18 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, 9, 18, 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब यहाँ से हमें फैक्टर में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है? कॉमन हमें यहाँ से क्या क्या मिला? एक तो 1 मिला, एक 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर उसके बाद 6 मिला, फिर और आगे कोई कॉमन नहीं है। तो 1, 2, 3, 6 में कॉमन कॉमन, और हाईएस्ट कहता है हाईएस्ट। एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट मान कौन सा है इसका? 6। तो हाईएस्ट फैक्टर का हुआ इसका 6। तो हमें हमें फाइनल आंसर मिलेगा कितना? 6। तो हम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं एचसीएफ, लेकिन हमें ये यूज नहीं करना है, ना हमें प्राइम फैक्टर यूज करना है। ठीक है, ये कर सकते हैं, बस ये तरीका है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, प्राइम फैक्टर से और फैक्टर मेथड से। ठीक है, अब हम जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में एलसीएम में बताया था कि एक डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड एचसीएफ को बहुत यूज होता है एचसीएफ, उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। कैसे देखना? डिवीजन मेथड इसे बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, डिवीजन मेथड क्या होता है? वही एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 18 और 24। ठीक है, छोटे नंबर से
छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं तब तक लास्ट में बिल्कुल जीरो रिमाइंडर ना मिल जाए। तो कैसे करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे 24 को। जब 24 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 18, इसको माइनस किया कितना आ गया 6। अब ये जो डिवीजर होता है हमारा, इसको आगे उठा के ले आते हैं और उसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जितना था उससे डिवाइड करते हैं, कितना 3 टाइम गया 18, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अब हमारा जो ये होता है, ये लास्ट में जिसने डिवाइड किया है वही हमारा होता है एससीएफ, वही क्या होता है हमारा एससीएफ, और इसी को बोलते हैं फाइनल डिविजर, इसी को बोलते हैं फाइनल डिविजर। फाइनल डिविजर मतलब अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम दोनों को कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब लास्ट में जीरो शेष ना आ जाए। तो 18 से डिवाइड किया, एक बार गया 18, फिर माइनस किया 6, 18 को उठा के ले आते हैं, ऐसे ही आगे भी करते लेकिन हमें यहीं पे मिल गया 6 18, पूरा पूरा डिविजिबल कर दिया, जिससे पूरा पूरा फाइनल डिवाइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है 6, ठीक है। ये हमारा डिवीजन मेथड है, भाग विधि, इस पे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी पे बेस क्वेश्चन है जो डिवीजन मेथड से अभी हमने निकाला था कि क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड, देन 3 क्वेश्चंस आर 5 4 3 एंड फाइनल डिवीजर इज 32। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ लिया गया, किससे, बाय डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा, तो 3 भागफल हमें प्राप्त हुए 5 4 और 3, जिसमें अंतिम भाजक क्या है 32। तो वो दो नंबर कौन से हैं, तो वो दो नंबर कौन से हैं, देखें क्वेश्चन कैसे करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे क्या आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा या पहले भी पढ़ा होगा, जैसे 5 से हमें 27 को भाग करना है या 5 से 27 को डिवाइड करते हैं, तो 5 से कितना बार, 5 बार 25, और ये कितना बचा 2, ये क्या बचा हमारा रिमाइंडर, ये इसको हम डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। ये हमारा कोसेंट होता है, ये हमारा कोसेंट होता है, और ये आर हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये डिवीजर होता है, कोसेंट होता है, रिमाइंडर होता है, ये वाला बीच वाला नंबर जो होता है इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये भाज्य जो है इनको डिनोट करते हैं, इसे डी फॉर डिवीजर, डी से डिनोट करेंगे, इसे क्यू से डिनोट करेंगे, इसे आर से डिनोट करते हैं रिमाइंडर, और इसको भाज्य को एन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी कभी, या पहले पढ़ी हुई होगी शेषफल प्रमेय, जिसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। वो शेषफल प्रमेय है क्या, वो शेषफल प्रमेय यहीं से बन के आती है। अगर देखो ये नंबर्स यहाँ पे नहीं होता, 27 नहीं होता और मुझे ये नंबर निकालना होता, तो कैसे फाइंड आउट करते, ये इसका और इसका मल्टीपल होता है और प्लस ऐड होता रिमाइंडर, ठीक है। तो कैसे, एन इक्वल टू नंबर्स इक्वल टू क्या, डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम होते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, अब यहाँ से हम एन निकाल सकते थे, देखो एन कैसे निकाल सकते थे, डिविजर हमारा 5 है, कोसेंट हमारा 5 है, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा था 2, तो 5 5 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। तो इसी से बेस ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस डिवीजन मेथड पे शेषफल प्रमेय से, अब इसी को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। देखें सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, कह रहा है 3 भागफल प्राप्त हुए हैं, पहले किसी नंबर को भाग किया होगा छोटे से बड़े को, तो पहले 5 मिला,
फिर उसको भाग किया गया होगा, फिर उसको हमारे रिमाइंडर कितना भागफल कितना मिला, 4, फिर लास्ट में क्या होगा तो हमारा भागफल कितना मिला, 3। और क्वेश्चन में दिया है अंतिम भाजक, अंतिम भाजक मतलब जिसने लास्ट वर्ड पूरा पूरा डिवाइड कर दिया वो कितना है, 32। ठीक है, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर अभी हमने बताया था कि नंबर ज्ञात करना, तो डी इंटू क्यू, आर तो है ही नहीं, तो डी इंटू क्यू कितना हो गया, 32 इंटू 3 कितना हो गया, 96। अब ये 96 कहाँ से आया होगा, 96 हमारा पहले वाला डिवाइजर रहा होगा जो डिवीजर था, अब 96 है और ये हमारा कोशेंट है और ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर, तो 96 इंटू 4 प्लस का कितना, 32। तो 9 चौक 36 360, 6 चौक 24 384 और 32 कितना हो गया, 416। ठीक है, अब ये 416 कहाँ से आया होगा, ये 416 यहाँ से आया होगा, अगर ऑप्शन हमारे पास होते तो मैं एक नंबर देख के 416 अपना आंसर टिक कर देता, लेकिन फिर भी अगर दूसरा नंबर निकालना है तो फिर से वही 416 इंटू 5, रिमाइंडर हमारा कितना बचा यहाँ पे, 96, तो प्लस का 96, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2176। तो वो दो नंबर वो हैं कौन कौन से, 416 और 2176, ये दो नंबर हैं जिनको डिवाइड करने के बाद पहले 5 मिला, फिर 4 मिला, फिर 3 मिला और अंतिम भाजक कितना था, 32। तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बनाती रहती है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा सेजफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, हमने तीन प्रकार से जान लिया कि तीन तरह से कैसे कैसे हम एग्जाम हमारा एसएससी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड, फिर उसके बाद फैक्टर मेथड, उसके बाद डिवीजन मेथड। अब हम अपने असली मेथड पे आते हैं, ठीक है, यूज करना इन सभी को। नेक्स्ट क्या है इसमें, असली मेथड, असली मेथड मतलब ये विक्की मेथड है, नाम ही नहीं बचा तो इसलिए अपने नाम से बना लिया। ठीक है, क्या है वो असली मेथड, वही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एग्जाम्पल क्या, 18 और 24, हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो देखिए पहले उससे थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, देखो ए और बी कोई दो नंबर हैं, ये ए और बी दो नंबर हैं और मान लो इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ 15 है। अब मैं ये कहूँ कि एचसीएफ तो इनका 15 है और कहूँ कि इन दो नंबर का डिफरेंस 10 है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एचसीएफ से छोटा मतलब एचसीएफ से कम डिफरेंस होगा, क्यों नहीं हो सकता, तुम खुद सोचो कि 15 से अगला नंबर 30 होगा, फिर उससे अगला नंबर 45 होगा, तो अगले नंबर तक आने में कम से कम 15 का डिफरेंस तो होगा ही होगा, अगर 15 का डिफरेंस है तो हम कभी नहीं कह सकते कि 15 से ये कम होगा। ठीक है, तो कभी भी जो इन दो नंबर का डिफरेंस लिया गया है वो हमारा एचसीएफ होता, इससे कम कभी भी हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, या इनके डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता, इसका फैक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 5 और 3, तो वो हमारा ऑप्शन डिपेंड करेगा कि 5 लगाएंगे या 3। तो कैसे करेंगे, इसी पे बेस है, देखना अट्ठारह और 24, अभी बताया क्या लेना, इनका डिफरेंस लेना, डिफरेंस कितना 18 और 24 का 6, तो 6 हमारा आंसर मिल गया, बस इतना सा इसमें करना है, कुछ नहीं करना, 18 और 24 का डिफरेंस देख लिया, इससे बड़ा कोई ऐसा मान नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, 6 से 3 बार जाएगा, 6 से 24, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 6 नहीं है तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो 6 हमारा इसका क्या आ गया, एससी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कोई, जैसे 12 और 16, ठीक है, 12 16 का एचसीएफ लेना है, फिर से वही करना है, डिफरेंस ले देना, 4 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब कहोगे कि छोटी छोटी संख्या ले ली है, छोटी छोटी संख्या नहीं, बड़े पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बड़े पे कैसे बन सकता है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, आपकी बुक में भी होगा, देखिए कोई ऑक्टागन फील्ड है, ठीक है, ऑक्टागन फील्ड है और उसमें धावक हैं, 8 धावक हैं ऑक्टागन फील्ड में दौड़ रहे हैं, वो दौड़ कैसे रहे हैं, जैसे 2905, 2600, 2945,
1950, 3360, 3995, 3900 या 3600 और 3505। ठीक है, ये ऑक्टागन फील्ड में है, इनके नंबर्स दिए हैं और कह रहा है एचसीएफ फाइंड आउट करना, बड़े से बड़ा मान फाइंड आउट करना जो इनको कम्प्लीटली डिविजिबल कर दे। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करते हुए, एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी अंक बिल्कुल पास पास होंगे, कहने का मतलब जिनका डिफरेंस बहुत कम होगा, सबसे कम होगा, उनका डिफरेंस ले लेंगे, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखो इनमें कौन कौन से डिफरेंस पास में है, तो 2945 और 2950 डिफरेंस कितने का है, 5। तो या तो हमारा एस सी एफ 5 होगा, अगर 5 नहीं होगा तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 5 या 1। तो 5 हमारा क्या होगा, एस सी एफ, देखो 5 सारे नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा पूरा पूरा कम्प्लीटली। तो इन दोनों नंबर्स का क्या डिफरेंस आया था, 5, और 5 क्या है हमारा, एस सी एफ। ठीक है, तो किसी नंबर का भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनका डिफरेंस, जिसका डिफरेंस पास में हो उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारा नंबर्स में क्या मिल जाएगा, एस सी एफ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने जाना कि एस सी एफ कैसे, किस किस प्रकार, किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये डिवीजन मेथड या असली मेथड जो है ये हमें बिल्कुल फॉलो करना, असली मेथड पे ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, एग्जाम में टाइम सेव किया जा सकता है, और हमारा मोटिव भी यही होता है कि एग्जाम में टाइम कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो अब आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एस सी एफ कि किस किस प्रकार पे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन ओरिएंटेड किए जाते हैं या कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन ओरिएंटेड होते हैं या एग्जाम में आते हैं या जो बुक में दिए गए हैं उन पे कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको जानेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर उसे बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन में एरर आती है तो उसको आप पीछे जाके मतलब ठीक कर सकते हैं एरर को, और हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि सर ये एक्स है। और अगर कोई भी तुम्हें एग्जाम से ओरिएंटेड कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।